के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो नाजरीन एक और कॉलर हमारे साथ हैं, देखिए कौन खुश नसीब है इस वक्त हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम साहब, हजरत जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्वेश्चन है कि अगर कोई बंदा तरावियां में लेट आ जाए, मतलब तरावियां ऑलरेडी चल रही हो जी जी, तो अब वो क्या बंदा रुक के पहले ईशा की नमाज पढ़े या के वहीं से तरावियां को ज्वाइन कर ले, इस पे जरा रोशनी डाल दीजिए। जी हजरत जी, इनका सवाल कुछ इस तरह से है कि माशाल्लाह बड़ा दिलचस्प सवाल किया आपने कि आप इस वक्त में पहुंचे कि तरावी शुरू हो चुकी हैं और अब ईशा की नमाज़ पढ़े या तरावी, भाई ईशा की नमाज़ पहले पढ़ें, ईशा की नमाज़ पढ़ें उसके बाद फिर तरावी में ज्वाइन करें, फिर जो तरावियाँ रह गई हैं वो फिर आप वितर नमाज से पहले पूरी करें, फिर आप जो वितर साधना पढ़े इमाम के, और अगर पढ़ भी लीं तो बाद में फिर अपनी जो अगर 8 तरावी आप गुजर गई हैं बाकी 8 तरावियाँ बाद में पूरी कर लें, इसलिए कि ईशा की नमाज से पहले अगर आप जॉइन हो गए और नमाज में शरीक हो गए और यानी तरावी में शरीक हो गए और ईशा आपने नहीं पढ़ी तो आपकी तरावियाँ नहीं हुई, लिहाजा आप अकेले पहले अपनी ईशा अदा करें, ईशा अदा करके अब तरावी में शरीक हो जाएं। अगर 4 या 6 तरावियाँ आपकी निकल गई तो आप वितर से पहले पूरी कर लें, और अगर वितर भी इमाम के साथ पढ़ लिए तो बाद में आप अपनी वो 6 तरावियाँ अकेले पढ़ लें, इस तरीके से आप उसको पूरा करें। जी अजय जी, एक और सवाल अक्सर लोग करते हैं इस हवाले से कि लोग दानिस्ता तौर पे जो है तरावी के बीच में कुछ तरावियां छोड़ देते हैं या बैठ जाते हैं या रेस्ट कर लेते हैं, तो इस हवाले से क्या हुक्म है कि क्या ऐसा तो नहीं कि वो किसी गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हों, क्योंकि अब जब आपकी फ़र्ज़ अदा कर रकत में आप होते हैं और उस वक़्त आप बीच में रकत तो जारी है लेकिन आपने बीच में ब्रेक ले लिया, तो क्या इस बारे में क्या मतलब वो अदा ही नहीं करते तरावी? जी जी या अदा करते हैं? अदा करने के दौरान बीच में उन्होंने जैसे सलाम फिरने के बाद उन्होंने ब्रेक ले लिया, अब दूसरी रकत शुरू हो गई लेकिन वो उसमें शामिल नहीं अभी बैठे हैं, वो बैठे हैं ठीक है, क्या वो एक रकत के बाद या दूसरी रकत के बाद 2 रकत गुजरने के बाद वो जब दोबारा उसमें शामिल होना चाहें तो उस वक्त, लेकिन वो बैठे हैं तो उस हवाले से क्या? देखो इसमें 2 सूरतें, एक तो ये होता है कि इमाम साहब ने तरावी शुरू की जी तो वो साहब जो है ना वो उनके शरीक नहीं हुए, बैठ गए, चाय पी रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं कि भाई इमाम साहब ने तो अभी आधा पारा पढ़ना है तो उस वक्त तक वो आराम से बैठे हैं। अब इमाम साहब ने पढ़ने के बाद जब रुकू किया अब ये उठ के अल्लाह अकबर के शामिल हो गए, ये तो जायज़ है। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो तरावी में शरीक हैं। लेकिन एक ये है कि इमाम साहब के साथ तरावियाँ पढ़ते आ रहे हैं, उन्हें 8 तरावी या 6 तरावी इमाम साहब के साथ पढ़ी, उसका बीच में 2 तरावी स्किप कर गए, उसके बाद फिर 12वीं में शामिल हो गए, वो जायज़ नहीं है क्योंकि तरावियाँ छोड़ दी। बेशक इसलिए 20 तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा यानी तकरीबन वाजिब है, लिहाजा उसको बगैर किसी शरी उज़र के छोड़ना ये गुनाह है, लिहाजा उनको पूरी तसलसल से पढ़नी चाहिए, बीच में तरावियाँ छोड़ने की इजाज़त नहीं। बेशक बेशक, जज़ाकअल्लाह जी। देखिए हज़रत जी ने बहुत माशाल्लाह खूबसूरत जवाब दिया और बहुत सारे लोगों के जहन में इस तरह के ख्याल आते हैं और अल्लाह ताला देखिए किस तरह से हमारी रहनुमाई फरमाते हैं हज़रत जी के थ्रू।